हेलो एवरीवन, दिस साइड योर फ्रेंड राहुल भादुड़ी प्रेजेंट विद न्यू एंड अदर कार लीक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा VXI मॉडल के बारे में। VXI मॉडल के अंदर आपको क्या कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर के अंदर इस बार आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। जैसे पहले आपको विटारा ब्रेजा VXI के अंदर आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिला करते थे, नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के अंदर आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, उसमें आपको सिंपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेगा जो हैलोजन बेस हो गए। और हेडलैम्प्स में इस बार आपको डीएल भी देखने को नहीं मिलेगा, पहले बेस वेरियंट के अंदर डीएल देखने को मिलता था, बट इस बार सेकंड मॉडल VXI के अंदर आपको कोई भी डीएल देखने को नहीं मिलेगा। हेडलाइट के साथ ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं, इंडिकेटर भी हैलोजन बेस है। और अगर बात करें फोग लैंप की, तो VXI मॉडल के अंदर कोई आपको फोग लैंप वगैरह नहीं मिलते। और फ्रंट में आपको जो उसकी ग्रिल मिलती है वो बेस मॉडल लेकर टॉप मॉडल तक सेम मिलती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे बेस वेरियंट लो चाहे आप टॉप मॉडल हो। आपको सभी मॉडल के अंदर पियानो ब्लैक और ये क्रोम वाली ग्रिल देखने को मिलेगी। और अगर बात करें साइड की, तो साइड में आपको ORM पे इंडिकेटर मिल जाएगी बेस मॉडल से, तो सेकंड मॉडल ऑफकोर्स मिलनी है, ये आपको LED बेस मिलेगी। और जो इसकी रियर लुक्स है वो काफी अमेजिंग है, क्योंकि इस बार ब्रेजा बेस वेरिएंट से लेकर टॉप मॉडल तक आपको LED टेल लाइट्स मिलते हैं, और टेल लाइट्स काफी कमाल के लग रहे हैं। तो मारुति ने एक अच्छा काम किया है, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप मॉडल तक आपको LED में टेल लाइट्स मिलते हैं, मतलब रियर से टॉप मॉडल और बेस वेरिएंट की जो LED लाइट्स है वो एकदम प्रॉपर सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं, एकदम प्रॉपर आपको सेम मिलेगी। और रियर में आपको डिफोकट देखने को मिलेगा, बट कोई भी वाइपर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साइड में आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, तो आपको पता ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से आपको माइलेज थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, पहले से बेटर माइलेज मिलेगी आपको। और बात करें व्हील्स की, तो इसमें आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जिसमें आपको कैप मिलेगी, बट कैप अभी लगी हुई नहीं है, जब आप कंपनी गाड़ी लेने जाओगे उस टाइम आपको कैप लगा के देगी कंपनी। और ब्रेजा VXI मॉडल के अंदर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती, मतलब इस बार काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है मारुति ने, फिर चाहे वो एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर इसका ब्लैक थीम रखी गई है, लेकिन कही गई आपको सिल्वर कलर की टचिंग मिलेगी, जो काफी कमाल की लग रही है, बट टॉप मॉडल वाली फील नहीं आ रही। जो टॉप मॉडल के अंदर इंटीरियर एकदम अलग लेवल का दिया, बट बेस्ट वेरियंट में, सेकंड वेरियंट में, यहाँ तक कि आपको ZS वेरियंट के अंदर भी सेम इंटीरियर नहीं मिलने वाला। जो टॉप मॉडल इंटीरियर वो सिर्फ टॉप मॉडल में और किसी वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा आपको, बट इंटीरियर में ब्लैक कलर के साथ सिल्वर कलर की फिनिशिंग काफी अच्छी लग रही है। और बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो आपको नॉर्मल D-कट स्टेयरिंग मिलेगा, इसके अंदर आपको कुछ ऑडियो कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, जिससे आप कॉल वगैरह भी रिसीव कर सकते हो, बट VXI मॉडल के अंदर आपको कोई भी क्यूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते। और बात करें VXI मॉडल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको नॉर्मल मीटर देखने को मिलेगा, बीच में आपको MI डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और VXI मॉडल के अंदर आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, जो अभी तक आपको मारुति सारी गाड़ियों को देखना मिला करती, चाहे वो विटारा ब्रेजा हो, चाहे स्विफ्ट हो, चाहे बलेनो। और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, साथ में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है USB। और VXI मॉडल के अंदर आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी, ना फ्रंट में ना रियर में। और VXI मॉडल के अंदर आपको कोई भी सनग्लास होल्डर वगैरह देखने नहीं मिलेगा, मतलब जगह जगह मारुति ने इस बार में ब्रेजा के अंदर काफी कॉस्ट कटिंग की है, चाहे फिर वो बेस वेरिएंट हो या VXI हो ZS हो, तीनों मॉडल के अंदर मारुति ने कॉस्ट कटिंग की है। अब चलते हैं रियर सीट में। रियर सीट में भी आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट के अंदर आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलते, बट VXI मॉडल के अंदर आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और VXI मॉडल के अंदर आपको कोई भी पासिंग ट्रे वगैरह नहीं मिलेगी, और रियर में आपको AC मिल जाता है। तो बस यही सब कुछ फीचर जो आपको VXI मॉडल के अंदर मिलते हैं। तो अब बात करते हैं VXI मॉडल आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, VXI मॉडल वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सबसे पहले VXI मॉडल पहले वाले विटारा ब्रेजा मॉडल से कंपेयर कर लेते हैं। इस बार आपको VXI मॉडल के अंदर कोई भी डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, पहले वाले विटारा ब्रेजा में मिलते थे। विटारा ब्रेजा के अंदर आपको कीलेस एंट्री मिला करती थी, बट ब्रेजा VXI नेक्स्ट जनरेशन में आपको कोई भी कीलेस एंट्री नहीं मिलती। विटारा ब्रेजा के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन मिला करता था, बट न्यू ब्रेजा VXI मॉडल के अंदर आपको कोई भी पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता। विटारा ब्रेजा के अंदर आपको रूफलेस मिलती थी, बट नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा VXI मॉडल के अंदर कोई भी रूफलेस नहीं मिलती। विटारा ब्रेजा के अंदर आपको 65 ट्रे मिला करती VXI मॉडल के अंदर, बट इस वाले ब्रेजा के अंदर आपको कोई 65 ट्रे वगैरह नहीं मिलती। काफी सारे फीचर्स इस बार VXI मॉडल के अंदर मिसिंग है। तो सबसे पहले आपको प्राइस डिफरेंस बता देता हूँ, जो LXI और VXI के बीच में है। LXI आपको 8 लाख का एक्सशोरूम मिल जाता है, और VXI आपको 9.5 लाख का एक्सशोरूम मिलता है, मतलब आप 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हो एक्स्ट्रा VXI मॉडल के लिए, बट आपको ना डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे, ना इसके अंदर आपको रूफ रेल्स मिल रहे, ना इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिल रही, ना आपको सीधा पुश स्टार्ट बटन मिल रहा, मतलब मुझे नहीं लगता 1.5 लाख रुपए वर्थ है VXI मॉडल के लिए। अगर आप ब्रेजा का वैल्यू फॉर मनी मॉडल लेना चाहते हो, तो आप LXI पे जाओ, और जितने पैसा आप यहाँ पे करोगे 1.5 लाख रुपए, इससे अच्छा 50-60 हज़ार आफ्टर मार्केट लगा दो, आपकी गाड़ी अलग लेवल पे चमक जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर उसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, तो सिर्फ वो बेस वेरिएंट है LXI। मतलब मारुति ने प्राइस बताने क्या सोच कर रख दी, इतने ज्यादा प्राइस बढ़ा दे, समझ नहीं आ रहा क्या सोच के प्राइस बढ़ाया, मतलब क्रेटा के लेवल के प्राइस बढ़ा दिया आपने कॉम्पैक्ट SUV के। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो तक अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं इसके प्राइस ज्यादा की वजह से, मतलब जिन्होंने बुक कर दी थी वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं इसके प्राइस देख के। तो नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा का जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है वो LXI, अगर आप लेना चाहते हो तो LXI मॉडल ले लो, बाकी सबके अपने चॉइस है, जो आपको पसंद आए वो ले सकते हो, बट मेरा मानना है ब्रेजा का जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है वो सिर्फ LXI है।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना ना भूलना, और अगर आप कार चलाते हो तो आप सीट बेल्ट लगाना ना भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। जस्ट नीड योर सपोर्ट, जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।